हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू मैं निवेन अनदर वीडियो। तो अब बज रहे मॉर्निंग के 5 o'clock और सुबह उठने का रीज़न ये है कि ना आज मैं जाने वाला हूँ मेरे डैड के साथ फिशिंग के लिए। तो डैड ने ना रात को ही जो है बेप है समंदर में डाल के आ गए थे, तो अब उसको खींचने जाना है। बेप क्या है बोलकर अगर आपको जानना है तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। तो यहाँ पे हम ना उस जगह पे आ चुके हैं जहाँ पे हमने डाला था बेप। और दोस्तों यहाँ पे जो बेप के एंड में ना क्या करते हैं, या तो सिग्नल या तो फ्लैग लगाते हैं। सिग्नल जो है ना नाइट के लिए लगाते हैं, अगर नाइट में उसको खींचना हो तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर सके, इसलिए वहाँ पे सिग्नल लगाते हैं। और यहाँ पे जो है ना हमने यह फ्लैग लगाया था इस दोनों एंड के साइड में, ताकि हम इसको सुबह में आके खींचने वाले थे, लेकिन हम थोड़ा जल्दी आ चुके हैं, लेकिन अभी तक सनराइज़ नहीं हुआ है। तो यहाँ पे अभी भी डार्कनेस है, तो थोड़ा वेट करते हैं सनराइज़ होने की, ताकि हमारा फ्लैग जो है विजिबल हो। अभी जो है सनराइज़ होने वाला है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं समंदर से ना कितना ब्यूटीफुल व्यू यहाँ पे सनराइज़ का देखने मिलता है। अब जो है ना थोड़ा बहुत यहाँ पे ब्राइटनेस आ चुका है, लेकिन जो है ना मुझे एक बहुत दूर जो एक फ्लैग नज़र आ रहा है। आई होप कि वो हमारा ही फ्लैग हो, तो वहाँ पे जाके देखते। मुझे पता नहीं कि कैमरा में वो फ्लैग यहाँ से विजिबल हो रहा है या नहीं। और सो वो रहा हमारा फ्लैग। तो यहाँ पे ना हमने यहाँ पे बेप खींचना जो है शुरू कर दिया है। तो सो बेप क्या है ना, बेप एक लॉन्ग रोप के अंदर ना हुक लगा के फिशिंग करने का एक ट्रिक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक रोप है, उसके अंदर जो है हुक्स लगाए गए। आप जो हाथ में देख रहे हैं ना, ये हुक है जो फिशिंग हुक है। और दोस्तों ये कोई इसमें रोप के अंदर 5 फैदम के इसमें एक हुक लगाता है, तो कोई 4 फैदम छोड़ के एक हुक लगाता है। अपने अपने हिसाब से ना ये हुक्स लगाते हैं लोग। तो हमारे इसमें ना 5 फैदम छोड़ के ना एक हुक लगाया हुआ है। इस फिशिंग हुक्स में ना हम मच्छी लगा के, छोटी मच्छी लगा के ना इसको छोड़ देते, ताकि इसको बड़ी मच्छी आके उसको खा के ना फंस जाए। तो हमारा जो बेप है ना, ये 50 फिशिंग हुक्स का बेप है, यानी हर 5 फैदम में एक एक हुक लगा हुआ है। इस तरह से 50 हुक्स इस रोप के अंदर लगे हुए तो एक यूनिक ट्रिक है जो बहुत ही कम जगह पे इसको फिशिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो फटाफट से खींचते हैं बेप को और देखते हैं हमारे बेप के अंदर मच्छी फंसी है या नहीं। यह है पहली फिश जो हमारे हुक में फंसी है। ये फिश जो है अभी ज़िंदा नहीं, आई थिंक ये बहुत पहले ही हमारे हुक में फंसी हुई थी, तो इसने इसकी जान जा चुकी है अभी। तो मैं थोड़ा आपको जो है करीब जाके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे ना फिशिंग हुक बहुत ही अंदर खा रखा है इसने, फंसी हुई है, तो इसको निकाल रहे हैं मेरे अब्बू। और तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे हुक निकाल रहे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेप खींचने में ना, खींचने के वक्त किस तरह से यहाँ पे इसको बेप को सिक्योर करके रखते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम डालने में जो हमको इजी हो। और यहाँ पे हुक देख सकते हो कितने बड़े इसका हुक का साइज़ है।
दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं सनराइज़ हो रहा है और कितना बढ़िया व्यू हमें यहाँ पे देखने मिल रहा है। तो थोड़ा मैं इसको जो है जूम कर देता हूँ, और उसके आप जो रेज़ दे सकते हो किस तरह से जो रेज़ निकल रहे हैं सन के, और ये व्यू कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारे बेब का दूसरा एंड जो है उसका फ्लैग जो वहाँ पे है, आई थिंक थोड़ा ही बेब है जो खींचने का बाकी रह गया है। और यहाँ पे दोस्तों हमको मिला है ईल, तो ये इसको कुछ ना इस तरह से मार कर ना इसको मराते हैं ताकि इसको हमको जो हुक से निकालने आसान हो, अगर वो ये ज़िंदा हो तो हम इसको हुक से निकाल नहीं सकते। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें जो है और एक मच्छी मिली है इस पेप में, तो ये अभी भी ज़िंदा है, तो इसको मैं थोड़ा निकाल देता हूँ। जो हमारे लैंग्वेज में ना इसको कहते हैं कारपा, और जो और एक जो पहले मिली हुई मच्छी है ना उसको कहते हैं लातड़। आई डोंट नो इसको हिंदी और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो कमेंट सेक्शन खाली आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा जो बेप है पूरा का पूरा खींच के हो चुका है, सिर्फ फ्लैग खींचना बाकी है। और आपने मच्छी भी देख लिया है ऑलरेडी जो हमें इस बेप में मिली है। ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चल ही गया होगा कि बेप फिशिंग किस तरह से करते हैं, तो वीडियो पे करते हैं यहीं पे एंड। आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते दोस्तों एक नए वीडियो के अंदर।